हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि नए इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल के कौन से नए फीचर्स होंगे। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxseal@gmail.com पर। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न की ई फाइलिंग के लिए नया पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है। यह पोर्टल 7 जून 2021 को लॉन्च किया जाएगा, यानी कि www.incometax.gov.in नया पोर्टल होगा, ताकि टैक्स पेयर को सुविधा हो इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए। यह एक मॉडर्न सिस्टम होगा, ताकि टैक्स पेयर को बेहतरीन एक्सपीरियंस मिल सके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए और कोई एक्शन लेने के लिए। चलिए फ्रेंड, डिस्कस कर लेते हैं इस इनकम टैक्स पोर्टल के कौन से नए फीचर होंगे। यह नया पोर्टल टैक्स पेयर फ्रेंडली होगा, और जैसे ही व्यक्ति अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर देगा, उसके बाद इमीडिएटली वो रिटर्न प्रोसेस कर दी जाएगी और जल्दी से टैक्स पेयर को रिफ़ंड इशू कर दिया जाएगा। ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर है, क्योंकि आज के टाइम में व्यक्ति इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करता है, उसके बाद उसे वेट करना होता है कि कब उसकी रिटर्न प्रोसेस होगी, और उसके बाद उसे फिर से वेट करना होता है कि कब उसका इनकम टैक्स का रिफ़ंड आएगा। लेकिन नए इनकम टैक्स के पोर्टल के बन जाने के बाद आपकी ITR जल्दी से प्रोसेस हो जाएगी और इमीडिएटली आपको रिफ़ंड रिलीज़ कर दिया जाएगा। इस पोर्टल का दूसरा फीचर होगा कि टैक्स पेयर सभी अपलोड पेंडिंग एक्शंस एक ही सिंगल डैशबोर्ड पे देख पाएगा और फॉलोअप एक्शन कर पाएगा। इस प्रकार टैक्स पेयर को बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि एक सिंगल डैशबोर्ड से उसको पता लग जाएगा कि उसके कौन से पेंडिंग एक्शन हैं जो कि उसे करने हैं। जैसे कि क्या किसी नोटिस का रिप्लाई पेंडिंग है, क्या ITR फाइलिंग पेंडिंग है, या फिर ITR यदि डिफेक्टिव है तो उसके अगेंस्ट यदि उसे एक्शन लेना है, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कोई क्वेरी इशू की गई है जिसका कि उसे रिप्लाई करना है। इस प्रकार के सभी पेंडिंग एक्शंस उसे एक ही सिंगल डैशबोर्ड पे दिखाई देंगे और वो आसानी से फॉलोअप एक्शन कर पाएगा। फ्रेंड्स, इस नए इनकम टैक्स पोर्टल का नया फीचर होगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराए जाएंगे टैक्स पेयर को। यह सॉफ्टवेयर ऑनलाइन भी उपलब्ध होंगे और ऑफलाइन भी। इस प्रकार यदि आपका इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तब भी आप अपने ITR को प्रिपेयर कर पाएंगे और बाद में आप उसे ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, ताकि टैक्स पेयर की हेल्प की जा सके। भले ही उसे टैक्स की नॉलेज नहीं है, तब भी वो इन क्वेश्चंस के आंसर देख के अपनी ITR को आसानी से फिल कर पाएगा। इसके अलावा प्री फिलिंग के लिए डेटा उपलब्ध कराया जाएगा, जैसे कि उसका कितना TDS कटा है, कितना उसका कैपिटल गेन हुआ है शेयर टेक्स्ट्रा से, कितना उसका बैंक इंटरेस्ट मिला है। ये सभी डेटा ऑटोमेटिकली उसकी ITR में फिल हो जाएगा। ये डेटा ऑलरेडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास होता है, ताकि टैक्स पेयर को कम से कम डेटा एंट्री करनी पड़े, और इस प्रकार उसकी मिस्टेक भी कम होंगी और वो अपनी ITR को आसानी से प्रिपेयर कर पाएगा। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल फीचर है, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि टैक्स पेयर को एक ही ITR प्रिपेयर करनी होती है और मार्केट में सॉफ्टवेयर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए अब जब फ्री सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे टैक्स पेयर को ITR भरने के लिए, तो उससे उसकी बहुत ही ज़्यादा सुविधा होगी और मिस्टेक्स कम होंगी ITR फाइल करते हुए। नई इनकम टैक्स वेबसाइट पे ये भी ऑप्शन होगा कि टैक्स पेयर को नए कॉल सेंटर उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि टैक्स पेयर के इमीडिएट आंसर दिए जा सकें क्वेरीज के। इसके अलावा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ट्यूटोरियल वीडियो, चैटबॉट, लाइव एजेंट भी उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि टैक्स पेयर की क्वेरीज की इमीडिएटली आंसर दिए जा सकें। यह फीचर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज की डेट में देखा गया है कि यदि टैक्स पेयर कॉल करता है इनकम टैक्स हेल्प डेस्क पे, तो या तो नंबर इंगेज आता है, या फिर जो कॉल सेंटर पे एजेंट्स होते हैं वो सही से रिप्लाई नहीं दे पाते हैं इनकम टैक्स क्वेरीज का। इसलिए अब टैक्स पेयर के पास बहुत से नए ऑप्शन उपलब्ध हो गए हैं, वो ट्यूटोरियल देख के, FAQs को पढ़ के, वीडियो, चैट बॉक्स, लाइव एजेंट के द्वारा भी अपनी क्वेरीज को सोल्व कर सकता है और इनकम टैक्स की रिटर्न को आसानी से फाइल कर पाएगा।
फ्रेंड्स अगला फीचर है नई इनकम टैक्स की वेबसाइट का कि जो फंक्शन आज के टाइम में आपको लैपटॉप और कंप्यूटर पे उपलब्ध है इनकम टैक्स ई फाइलिंग के, वो सभी फंक्शंस आपको मोबाइल ऐप पे उपलब्ध कराए जाएंगे और बाद में आप अपने मोबाइल पे कभी भी इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फीचर है क्योंकि आज की डेट में सभी टैक्स प्रिपेयर मोबाइल से बहुत ज़्यादा वर्किंग करते हैं, तो वो आसानी से अपने इनकम टैक्स के पोर्टल को ओपन करके देख सकते हैं कि कहीं उनका कोई पेंडिंग एक्शन तो नहीं है। इस प्रकार इस फीचर से भी टैक्स प्रिपेयर को बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। फ्रेंड्स अगला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फीचर जो कि नए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग पोर्टल पे होगा वो है ऑनलाइन टैक्स पेमेंट सिस्टम जो कि टैक्स पेयर को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें के मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन होगी। टैक्स पेयर अपने नेट बैंकिंग, UPI, क्रेडिट कार्ड, RTGS, NFT के द्वारा पेमेंट कर पाएगा। इस प्रकार टैक्स की पेमेंट करनी बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक हो जाएगी। ये फीचर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आज के टाइम में टैक्स पेयर UPI, क्रेडिट कार्ड, RTGS या NEFT के द्वारा पेमेंट नहीं कर पाता है, लेकिन नए रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में ये ऑप्शन उपलब्ध हो जाने से टैक्स पेयर को आसानी से टैक्सेस की पेमेंट करने की ऑप्शन उपलब्ध हो जाएगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कहा गया है कि नए इनकम टैक्स के पोर्टल पे माइग्रेशन एक्टिविटी की जा रही है, इसलिए जो पुराना इनकम टैक्स का पोर्टल है इनकम टैक्स इंडिया efiling.gov.in वो टैक्स पेयर को 6 दिनों के लिए उपलब्ध नहीं होगा, यानी कि 1 जून 2021 से 6 जून 2021 के लिए। टैक्स पेयर को कोई असुविधा ना हो इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है कि इस पीरियड के दौरान कोई भी कंप्लायंस डेट फिक्स नहीं की जाएगी, यानी कि कोई नोटिस इशू नहीं किया जाएगा। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ऑफिसर को भी ये डायरेक्शन इशू की गई है कि वो इस पीरियड के दौरान कोई हियरिंग एक्स्ट्रा फिक्स ना करें और हियरिंग की डेट 10 जून 2020 के बाद ही फिक्स करें, ताकि टैक्स पेयर को सफिशेंट टाइम मिल जाए कि वो नए रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में रिस्पॉन्ड कर पाए। यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इस पीरियड के दौरान कोई डेट दी गई है तो उसे रीशेड्यूल किया जाएगा, यानी कि या तो उसे प्रीपोन किया जाएगा 1 जून 2021 से पहले, या फिर उसे अडजर्न कर दिया जाएगा, यानी कि 10 जून 2021 के बाद ही टैक्स पेयर से कोई रिप्लाई मांगा जाएगा या फिर नोटिस इशू किया जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सर्विसेज बहुत सी एक्सटर्नल एंटिटी के द्वारा भी यूज़ की जाती हैं, जैसे कि बैंक्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर, GST डिपार्टमेंट, DPIIT, CBIC, JAM, DGFT, पैन वेरिफिकेशन की सर्विसेज इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग से यूज़ की जाती हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इन डिपार्टमेंट को कहा गया है कि इस पीरियड के दौरान क्योंकि सर्विसेज अवेलेबल नहीं होंगी, इसलिए कस्टमर और स्टेक होल्डर को इन्फॉर्म किया जाए और वो अपने ये टास्क या तो 1 जून से पहले कंप्लीट कर लें या फिर 10 जून के बाद कंप्लीट करें। और टैक्स पेयर को भी कहा गया है कि जो भी उनके अर्जेंट टास्क हैं, जैसे कि कोई इनकम टैक्स रिटर्न की सबमिशन करनी है, अपलोड करना है, डाउनलोड करना है, नोटिस रिप्लाई एक्स्ट्रा, वो 1 जून 2021 से पहले कर लें ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा सभी टैक्स पेयर को कहा गया है कि वो धैर्य रखें कि नए रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में डेटा जो माइग्रेट हो रहा है वो आसानी से हो पाए, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स पेयर को कंप्लायंस से रिलेटेड सर्विस आसानी से दे पाए। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूजफुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कंप्लायंस कर पाएँ। फ्रेंड्स आप GST और इनकम टैक्स पर हाई कोर्ट, ITAT, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। इनका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA Satbir Singh टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।